अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों मित्रों भेलियों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त वज़ीर अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल नफा टीवी HD। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है मेरे सज्जनों मित्रों। मेरा फेसबुक चैनल भी है लेकिन 4-5 दिन पहले लगती है वीडियो यूट्यूब पे और 5 दिन के बाद अपलोड तो उसी वक्त हो जाती लेकिन जाके शेड्यूल पे लग जाती। 5 दिन के बाद अगर देखनी हो तो फेसबुक पे होती लेकिन अपलोड उसी वक्त हो जाती है। तो दोस्तों क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी सारे लोग लगाना शुरू हो गए थे अपने पेजों पे, इसलिए मजबूरन हमें अपना पेज बना के इस पे वीडियो लगाना पड़ी। आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखें तो मैं आपका तह दिल से शुक्रगुजार हूँगा क्योंकि फेसबुक से हमें कुछ मिलता नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश है अगर आपने वीडियो हमारी देखनी है, अगर आप हमारे साथ प्यार करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखा करें। तो दोस्तों आज आपको दिखाते हैं दो ब्यूटीफुल शौक ब्यूटीफुल दो डॉग, एक ब्लैक और एक काला डब्बा, कश्मीर के डॉग है, आपको मजा आएगा देख के, हमारे साथ रहिए। लो मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत वॉरियर, सोना जानवर जिहदा नाम है वॉरियर, 3 साल उम्र ते ब्लड लाइन दा सी पुछदे आ जनाब चौधरी अकरम साहब को। ए तो नहीं बंदे नु वड़दा नहीं, ए जी बोल अच्छा काई काई हां डबल बॉडी जनाब वॉरियर इधर इधर सूरज वाले पास में हुआ वॉरियर इधर 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 देखो इधर तुसा इधर हो जाओ पीछे ही पे आदत है पे इधर पांच बच्चे मारी करे हां ये रहा पत्थर लाया मेरे सज्जनों मित्रों बहुत ही ब्यूटीफुल शानदार जनाब पट्ठा डॉग ए जनाब खान रियाज बालड़े को कुत्ता होना सी लुंडा। हाँ जी ए जट्टा गुलू आंदा सी ए उदा पोतरा है खान रियाज बालड़ा बालड़ा फतेह जंग फतेह जंग चो जी जी उन्ना दे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈਗਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜੱਟਾ ਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੌਗ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾ ਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਓਕੇ ਸੀ ਸੁਣ ਵਾਰੀਅਰ ਡੁੱਗੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਬਟਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਢੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਾਰੀਅਰ ਓਲਾ ओए कपड़े गंदे नहीं करने इधर आ इधर आ खराब हो सड़े कई फाड़ी ले दो तकला खुश हो जाने हां बुल्ली कुत्ते ने ये आम ही हां बच्चे तक्के तो खुश हो सुन के बंदे दो चार आए हां बच्चे ना इधर आ इधर आ इधर तो जेड़ा खुश नहीं ना वो अंदरों ही बस दिले। हां जी या बंदा तक्के को का खुश नहीं रहा है। अच्छा सर ये मैच है चे एक टपणिया च है के मैच च भी लड़े आ टपणिया ही जाएगा टपणिया दे टपणिया च कोई 3 साल दी कोई बिना पर होसी या बिना काट होसी। अच्छा चौधरी साहब ने दसो बे जड़ा ना कुत्ते नु लड़ाई किनवे महीने च करवानी चाहिए ए लड़ाना चाहिए 2.5 साल दी उत्ते कुत्ता वैद लड़ाना चाहिए फिर लड़ाना चाहिए टपणी तो कुत्ता 2.5 साल दा उस तो पहले नहीं लड़ाना चाहिए पहले दे कोई 2 साल दा लड़ाना ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਬਰੂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖੁਰਾਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਾਈ ਛੋੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਉਸਨੇ ਦੀ ਅਲਾਵਾ ਕੋ 2 ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਛੋੜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਓ ਜੇ ਬੜਾ ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ 2-4 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸਨੇ ਦੀ ਲਾਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਿਉ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਾਕ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਉ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਖਾਣ ਬਣੇ ਹੋਇਆ
पचता नहीं ना तुसी आपे भी अगर तू लिमिट दी ज्यादा खा लो तो नहीं पचता बिल्कुल नहीं पचता कुत्ते नु मतलब रोटी जे शामी पाने हो दो चमचा चावलां दी जेड़े खांदे है चावल जिने चमचा ना ए दो चमचा रोटी पाई छोड़ो बस बिल्कुल मैं तो 12 महीने देना है 12 महीने गर्मियां च भी देना है बिल्कुल सही मेरे सजनों मित्रों इस तो बाद तुहानू असीं जबरू कुत्ता विखाणा ये भी बहुत टॉप क्लास का डॉग है तो जबरू भी बहुत ही पाकिस्तान का दो टाइम विनर डॉग है तो यह तो डॉग बड़ा यानी असील है तो वह मैं चौरी साहब कह रहे थोड़ा जहा कबड़ील कुत्ता है वह वेखोगे तो इस तो भी मज़ा आएगा बहुत ही टॉप क्लास का जबरू तो यह जनाब यदा ना है वारीअर जी 3 साल उम्र हो चुकी है तो तपड़ियाँ वाह वाह कर चुके तो रियाज खान बालड़ा जी उन्होंने कुत्तों के एक कुत्ता जनाब जट्टाले का पोतरा है जट्टाले का पोतरा बारह लड़ाइया जट्टा लड़िया जी बारह मैच आखिरी मैच इतने साढ़े को लड़िया समलोठे पता है भाई अच्छा यानी बारह के बारह आखिर जब मरिया है विन नहीं मरिया क्या जी मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो एक बच्चा जनाब माजूर हैगा ते इहदी वालदा बीमार हैगी ते जिवें कि तुसी पहले मुहब्बत प्यार करदे जे इस बच्चे नाल मुहब्बत प्यार करो ये बच्चा ये तुहाडी वालदा नूं किन्ने साल हो गए बीमार होई ना 1 साल हो गया उन्हां दे मूँह दे विच कोई प्रॉब्लम है दाड़ दी विच कोई दाड़ इत्थों कोई बहुत ज़्यादा ही यानी कि जिवें अल्लाह ना करे कैंसर हो लेकिन उस टाइप कोई चीज़ है तो ये कमा नहीं सकता इहदा वालिद साहब मरे हुए ने मैं कोई तकरीबन 12-13 साल तो तुहाडी खिदमत कर रहा जो हस्बे तफीक होंदी उदों आंदे सी मेरी दुकान सी कोठा पिंड तो उदों मेरे कोल आंदा सी उदों जो हस्बे तफीक मेरे कोल हुंदा सी मैं इहदी मदद करदा सी ते हुण भी 22-23 तरीक नूं मैनूं मिस कॉल या फोन कर दिंदा तो जो मेरे कोल हस्बे तफीक हुंदी यानी यूट्यूब तो जो पैसे आते हैं तो मैं इहदी हैल्प करदा हूँ रात का यह आया हुआ मेरे को बारिश हो रही सी वीडियो नहीं सी बन रही तुसीं उत्ते वेख रहे जे बदल हजे भी ने आ हुण थोड़ी देर हो गई बारिश रुकी नूं ते असीं वीडियो बनाई है इहदी ते इहदी तुसीं भरपूर मदद करनी आ ठीक है जनाब तो क्योंकि ये तो किसी पास जा नहीं सकता आ तां मैं तुर तुसीं तुर के विखाओगे भला उठो ए जी बच्चा हैगा तो ये कोल ना सही तुरिया नहीं जाता है माजूर हैगा तो वैसे बहुत अच्छा आसरे नाल तुर लैंदा यानी कि बै चलो उत्थे आ जाओ वापस चला चल वापस तो अली इहदा नाम जे इहदा जो मेरे कोल आउंदी सी जुत्ती कपड़ा हुण भी मैं इहदी इनशाला जो मेरे कोल हसबे तफीक है मैं इहदी हुण मदद करांगा इनशाला तो इहनूं हुण मैं घर छड्ड के आणा रात दे मेरे कोल आए हुए ने ते ईद ते किसी पिंड गए हुए सी मैनूं कालां करदा रहा कोई मदद कर मेरी तो हुण जो मेरे कोल हसबे तफीक होएगी इहदी मदद करांगा ईद तो पहले भी कीती सी तुहाडे भी गुजारिश है कि तुसीं भी इहदी मदद फरमाओ मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप क्लास का जनाब डॉग जनाब इसकी कितनी उम्र हो गई इसकी उम्र जनाब इसकी 4 साल थी 2 महीने कट हो सकती 2 महीने ऊपर हो सकती ते कद किन्ना जनाब कब जनाब 32.5 थी ऊपर ही होसी कट नहीं होगा 32.5 तो उत्ते बिल्कुल जी मेरे सज्जनों मित्रों बहुत ही ब्यूटीफुल बिग डॉग है कद ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਨਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਬਰੂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਬਰੂ ਨਾਂ ਵੀ ਜਬਰੂ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਬਰੂ ਹੈ ਵੀ ਜਬਰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਕੋ ਪੜਨਾ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾ ਜਬਰੂ ਜਬਰੂ ਮੇਰੇ ਸਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਜਬਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਾਨਵਰ ਜਬਰੂ अच्छा जनाब इहदा नाम जबरू ते इह किन्ने मैच ते 2 मैच विनर है जी 2 मैच विनर अच्छा करीबू हो गए फड़ना
ਗੱਭਰੂ अच्छा ये शांगा हैगा क्या बात है जी मेरा सज्जनो मित्रो शांगा कुत्ता सी तन दिखाने वेखी वेखी कित अच्छा जबरू जनाब चौधरी अकरम साहब ने खुद ही ट्रीटमेंट की खुद ही जनाब इलाज बोतल लाइया बुखार हो गया कुत्ते लेकिन फिट है गया इस टाइम तुम वेख रहे जे अच्छा सर ये सरगोदे चो आया सी जी सरगोदा रोड जी चक झुमरे चो आया फैसलाबाद यानी सरगोदा रोड चक झुमरा हां जी उठो चंग नाल लगदा ना हां जी चंग नाल लगदा चंग लगदा नाल बिल्कुल सही ते मुआणे नु जिना कोल आंदा सी अच्छा मुआणे कोल आया सी थोड़ा जा परे करना मैं तो क्रॉस करना कर लो आ जाओ मेरे सजनों मित्रों बहुत ही ब्यूटीफुल शानदार डॉग है ये तक कद 32 इंच कद हाँ 32.5 इंच कद जनाब थोड़े सामने बिग डॉग शानदार ते दो मैच विनर होया ते तीसरा भी इंशाल्लाह की लड़ेगा ते तुम दिखाइए उन्हें दी छांगियां उंगला ऐ वेखो इधर आ जनाब चौधरी अकरम साहब को ले आ रहा गल भी सारिया मंदा जे चौधरी साहब दियां चौधरी साहब इस को कुत्ती क्रॉस करवाई है जी कराई सी मगर बदकिस्मती सात कुत्तियां दे दो कुत्ते दिते से एक मरिया दिता अच्छा। एक थल्ले दे के मार छोड़ एक थल्ले दे के कुत्तियां जे खड़ियां ने जी बच्चियां खड़ियां ने अच्छा क्या बात ਕੁੱਤੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਬਤੂਨੀਆਂ ਚੋਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਤੂਨੀਆਂ ਚ ਜੀ ਅਸਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਲਾਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਲੈ ਜਾਵੇ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਤੁਜਲ ਹੈ